डैश पे सभी लोग उपस्थित हो चुके हैं जिनको मंच पे उपस्थित होना है। और हमारे विद्याश्री पद्मभूषण जो है बिंदेश्वरी पाठक जी हैं, शेखर विजेंद्र जी हैं, वो शेखर विजेंद्र जी हैं। आपको विश्राम देने के बाद गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा दक्षिण उत्तर बंगाल विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जल तरंगा तव शुभ नाम जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। बोलो भारत माता की जय। हमारे अन्य उपस्थित लोग जानते हो हमारे विचारों और हमारे प्रयासों हमारी आजादी का एक प्रतीक है, इससे भी लोगों का स्वागत होगा। हमारे उपाध्यक्ष नरेश यादव जी शाल देकर सम्मानित करेंगे। उपाध्यक्ष विद्वाय जो है श्री लक्ष्मी भाई जी, श्री नरेश यादव जी, दोनों लोग और महाराज जी का सम्मान स्वामी चिदानंद सरस्वती जी, जो देश का गौरव है, जो सेवा और अध्यात्म का प्रतीक है, पर जो है किया जा रहा है, ये बहुत सुंदर क्षण, देश का गौरव है, देश को एक दिशा देने वाले हैं जिन्होंने मानक स्थापित किया है स्वच्छता के नए आयाम देश दुनिया में स्थापित करने के लिए, उनका भी स्वागत हुआ। बहुत सुंदर है, ईश्वर का आशीर्वाद सच में हमारे साथ में है। इस हमारे इस संस्था को है, हर उस छोटे से छोटे कार्यकर्ता का स्वागत है जो इस कार्यक्रम में चे। सर्वधर्म प्रार्थना हम लोग सुन रहे हैं। गांधी का संदेश था दिलों को जोड़ना, देश को जोड़ना, सभी धर्मों को जोड़ना और एक ऐसा धर्म जो मानवता का उपासक हो। तो हम सभी सर्वोदय सेवक जो प्रार्थना कर रहे हैं वो हो रही है। महोदय, ये परिसर आपके पवित्र चरणों से धन्य हुआ। ये वो जगह है जहाँ गांधी जी 180 दिन तक रहे थे और जो 1932 से 47 तक यहाँ पे आते रहे। यहाँ का जो कण कण है बापू के चरणों से पवित्र है। इसके साथ में जो देश के अन्य नेता थे जो आज़ादी की लड़ाई में लगे हुए थे, चाहे सुभाष चंद्र बोस जी हों, पंडित मदन मोहन मालवीय जी हों, बाबा साहब अंबेडकर हों, एम.एन. राय साहब हों, मौलाना अबुल कलम आज़ाद जी हों, किसका किसका नाम ले, वो सभी लोगों के चरण जो हैं इस पवित्र भूमि पर पड़े हैं। और इसके बाद में कितने लोग ऐसे हैं जो आते हैं यहाँ पे, वयोवृद्ध लोग आते हैं, गेट की जो चरण धूलि जो है वो लेते हैं, कहते हैं यहाँ पे कभी बापू के चरण पड़े थे। तो इस जगह पे आप आए हैं, इसने सेवा, आध्यात्मिक साधना और सेवा के 90 वर्ष पूर्ण किए हैं और जो है वो
कि ये उन पावन क्षणों का जो है साक्षी रहा है, जो कि जिसने देश में एक बदलाव की बयार लाई, जिसने समता स्थापित की, जिसने लोगों के हृदय में हृदय को जोड़ने का काम किया, ये वो स्थान है हरिजन सेवक संघ। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमारे इस हरिजन सेवक संघ की प्रांगण में, जिनका नाम दादा ने लिया था, और हमारे महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय हम सबके बीच में हैं, उनका मार्गदर्शन, उनका आशीर्वाद और प्रेरणा हम सबको मिलेगी, ऐसा निवेदन है। मैं बहुत ही विनम्रता के साथ निवेदन करता हूँ महामहिम जी का। और सबको नमस्कार। हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर शंकर कुमार संजाल जी, प्रेसिडेंट परमर्थ निकेतन ऋषिकेश, पूज्य स्वामी चिदानंद सरस्वती जी, पद्म भूषण डॉक्टर पिंतेश्वर पाठक जी, फाउंडर ऑफ सुलभ सैनिटेशन, श्री लक्ष्मी दास, फॉर्मर चेयरमैन KVIC एंड वाइस प्रेसिडेंट हरिजन सेवक संघ, श्री नरेश यादव, वाइस प्रेसिडेंट हरिजन सेवक संघ, श्री कुंवर शेखर विजेंद्र, चांसलर सोबित यूनिवर्सिटी एंड चेयरमैन एसोसिएशन नेशनल काउंसिल ऑन एजुकेशन, उपस्थित महानुभाव। महात्मा गांधी जी एक नाम नहीं थे, वो एक सोच थे। गांधी जी की सोच ने दुनिया को प्रभावित किया। आज तक कोई भी गांधी जी की विचारधारा के विपरीत बोल नहीं सका है। गांधी जी का सोच, विचार और चिंतन विश्व के लिए था। हमारी संस्कृति का जो मूल सिद्धांत हजारों साल से रहा है, वासुदेव कुटुंबक महात्मा जी का ये विचार था। महात्मा जी ने हमारी संस्कृति के सर्वश्रेष्ठ सिद्धांतों को जमीन पर उतारने का भरसक प्रयास किया। गांधी जी ने जो दो सिद्धांत दिए, उनकी पालना यदि करते हैं तो मानवता सुखी रहेगी, जन कल्याण होगा, भाईचारा बढ़ेगा, अहिंसा और सत्य। कितना आसान है उनको उनका पालन करना, और नतीजे कितने सकारात्मक हो सकते हैं इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। आज के दिन हम देखते हैं तो पूरी दुनिया में जहां भी संकट है, संकट युद्ध का हो, भूखमरी का हो, क्लाइमेट चेंज का हो, उन सब का उपाय सार्थक रूप से महात्मा जी के विचारों में मिलता है। गांधी जी ने जो बेड़ा उठाया और गांधी जी का जो सोच था कि मानवता और समाज में स्थायित्व है और बदलाव तब तक नहीं आएगा जब तक समानता का व्यवहार, सभी का अधिकार हो, जब तक अंतिम छोर पर जो व्यक्ति है उसको फायदा नहीं मिले। गांधी जी ने कहा था, आई वुड लाइक टू कोट, इट हैज बीन अ पैशन ऑफ माई लाइफ, आई पोज हियर। गांधी जी ने कहा यह मेरा पैशन ऑफ लाइफ है, मिशन ऑफ लाइफ है, मेरा डिवोशन है, और क्या, इट हैज बीन अ पैशन ऑफ माई लाइफ टू सर्व द अनटचेबल्स, और क्यों, बिकॉज आई हैव फेल्ट दैट आई कुड नॉट रिमेन अ हिंदू इफ इट वॉज ट्रू दैट अनटचेबिलिटी वॉज पार्ट ऑफ हिंदुइज्म, आई अनकोट। गांधी जी का सपना साकार हुआ है।
संविधान के निर्माताओं ने पूरा ध्यान दिया। इफ वी लुक एट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट्स प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, उन सब में हमें एक तार दिखाई देगा और वो तार वो है गांधीयन फिलोसफी, गांधी जी की विचारधारा। हर संस्कृति को गांधी जी ने वो मूल्य दिए हैं जिनसे हमारा जीवन सुलभ रहेगा, अच्छा रहेगा। उन लोगों की मदद करना, उन लोगों को ऊपर लाना जो साधारण व्यवस्था से वंचित हैं, यही तो स्वराज है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल की हैसियत से जो मैंने दृश्य देखा, साक्षात रूप से गांधी जी सब जगह विराजमान थे। किन किन लोगों ने, किन किन संस्थाओं ने हैंड होल्डिंग की कोविड के दौरान, लोगों के घर भोजन पहुंचाया, उनकी मदद की, जीवन का खेल खेल कर भी उन्होंने स्वास्थ्य देने की कोशिश की। ये भारतीय संस्कृति का नेक्टार है, ये भारतीय संस्कृति का आधार है, मूल मंत्र है। जिस व्यक्ति की आर्थिक स्थिति ज्यादा नहीं है वो भी दूसरे की पीड़ा समझते हुए कोविड के दौरान मदद की है, ऐसा दुनिया में कहीं नहीं हुआ। और हमारी शासन व्यवस्था देखिए, कोविड के 2 साल के दौरान 90 करोड़ जनता को गांधी जी का सिद्धांत ध्यान में रखते हुए मुफ्त अनाज दिया गया। ये दुनिया के किसी भी देश की कल्पना के बाहर है। इतनी बड़ी महामारी के दौरान यह विचार लाना कि 136 करोड़ को 2 वैक्सीन लगेंगे, दिल दहल जाता है। ये कर दिखाया, गांधी जी की आत्मा को बड़ी संतुष्टि मिलेगी। अंदाजा लगाइए 18 करोड़ परिवारों में मुफ्त गैस का जाना, उनके आंसू धुएं से जो आंसू निकलते थे उनको पहुंचना, ये काम संभव हुआ है। ये गांधी जी की विचारधारा है। 25 करोड़ लोगों को जो बैंक की तरफ अपना मुंह नहीं कर सकते थे, बैंक के अंदर जाते हुए घबराते थे, उनके द्वार पर आकर उनको जोड़ा। आज हालात क्या है, जो तबका नीचे का था वो आज अनेक अनेक फील्ड्स में टॉप पर है, सर्वश्री है। भारत के प्रधान न्यायाधीश का पद उनको मिला है, ये उदाहरण के स्वरूप बता रहा हूं। ये गांधी जी की सोच को जमीन पर उतारने का काम जो हो रहा है वो समाज के लिए बहुत बड़ा काम है। डॉक्टर अंबेडकर का एक भाषण, और जो भाषण संविधान सभा में उनका अंतिम भाषण था, अंतिम भाषण की एक अहमियत ही अलग होती है। जिस वर्ग से वो आते थे उसका भी महत्व है। और डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा, आई कोट, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कैन नॉट लास्ट अनलेस दे लाइज एट द बेस ऑफ इट्स सोशल डेमोक्रेसी, अनकोट। कितनी बड़ी बात कही है, सोशल डेमोक्रेसी नहीं होगी तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी सर्वाइव नहीं कर सकती। अब ये जमीन पर उतर रही है। मैं देखता हूं कि पिछले कुछ वर्षों में भारत को उठाने का जो काम है वो पिरामिड का नहीं है, प्लेटो की तरह है। हर वर्ग को मौका दिया जा रहा है, हर वर्ग का काम उस तरीके से हो रहा है कि भारत प्रगति के रास्ते पर, भारत की जर्नी बिना बात आगे नहीं बढ़ी है। आज हम दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी हैं,
ये सौभाग्य हमें पिछले कुछ दिन में मिला है। फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, इसके अंदर योगदान किसका है? किसान का, मजदूर का, उन व्यक्तियों का जिनको पहले समाज के अंतिम छोर पर माना जाता था, उनका योगदान सबसे ज्यादा है। और मुझे कोई शक नहीं है कि इस दशक के अंत तक वी शैल बी द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। आज के दिन दुनिया में भारत की और भारतीय की पहचान अलग है। आज के दिन एक सपना है, श्रेष्ठ भारत, और उस सपने का एक आधार है वी वर द बेस्ट। हजारों साल पहले जाएंगे, आवर इंस्टीट्यूशंस, आवर कल्चर, आवर इंफ्रास्ट्रक्चर वॉज अनराइवल्ड इन द वर्ल्ड। हम उस ओर अग्रसर हैं, और ये एक ही कारण है कि जो ह्यूमन रिसोर्स है, इसका डिवीजन हो रहा था पहले कि कौन किस वर्ग से आता है, वो पूरी तरह से मिट गया है। आगे अपने अंतिम भाषण में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, आई कोट, विदाउट इक्वलिटी लिबर्टी वुड प्रोड्यूस द सुप्रीमेसी ऑफ द फ्यू ओवर द मनी, इक्वलिटी विदाउट लिबर्टी वुड किल इंडिविजुअल इनिशिएटिव, विदाउट फ्रेटर्निटी लिबर्टी इक्वलिटी कुड नॉट बिकम अ नेचुरल कोर्स ऑफ थिंग्स, इट वुड रिक्वायर अ कॉन्स्टेबल टू एनफोर्स देम, अनकोट। आज के दिन छोटी छोटी बातों में भी, चाहे कार के ऊपर रेड लाइट हो, हर चीज के अंदर सबको बराबर रख दिया गया है। और इससे बड़ा गांधी जी के प्रति कोई ट्रिब्यूट नहीं हो सकता। गांधी जी का जो सोच था, वो सोच आज के दिन जमीनी हकीकत है। और जो सरकार के द्वारा कहा जाता है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये गांधीयन थॉट है। दिस इज नॉट पॉलिटिकल, दिस इज नेशनल, दिस इज राइजिंग अबाउट ऑल पॉलिटिक्स। गांधी जी ने कभी भी दूसरे विचार को झटके में मना नहीं किया। He was always open to the other point of view. आज के दिन कुछ वर्ग में एक संस्कृति आ गई है कि मेरा विचार ही सही है, दूसरे के विचार को मैं सुनूं क्यों? This is a very dangerous trend. कानून के सामने कोई कितना ही बड़ा व्यक्ति हो, कितनी उसकी हिस्ट्री हो, कितनी ताकत हो, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक, सब कानून के शिकंजे में है। कानून को अपना काम करना पड़ेगा, और यही भारत और भारतीयता को विश्व में एक नया नाम देगा। आज के दिन अंत में मैं ये कहूंगा, वी हैव डेवलप्ड अ इकोसिस्टम, अ वेरी हेल्दी इकोसिस्टम, अ इकोसिस्टम दैट प्रमोट्स एवरी टैलेंट, एक्सप्लोर्स एवरी पोटेंशियल। और इसलिए मैं कहता हूं, इट इज ग्रेटिफाइंग टू नोट दैट इन रिसेंट ईयर्स देयर इज एमर्जेंस ऑफ इकोसिस्टम दैट अफर्मेटिवली इन कॉन्सेंस विद गांधी फिलोसॉफी एंश्योरिंग फुल एक्सप्लोइटेशन ऑफ पोटेंशियल एंड टैलेंट ऑफ ऑल, पर्टिकुलरली ऑफ द मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। अंत में एक बात कहूंगा, शुद्ध भाव से कह रहा हूं, क्रिटिसिज्म नहीं है, इट शुड बी टेकन इन द स्पिरिट ऑफ पॉजिटिविटी इन विच आई एम सेइंग। इट्स अ ह्यूज प्रीमिस, दिस शुड बी अ नर्व सेंटर, दिस शुड बी अ पॉजिटिव एपिसेंटर
of disseminating Gandhian thought all over the world. Every inch of this place must be fully utilized, and every day at this place must be eventful. Any footfall here will please the person. There can be no better theater than to cleanse the human body, to cleanse your conscience, to develop positive spirit, to inculcate habit of harmony and sublimity, then be at a place where Gandhiji spent his time, interacted with the stalwarts who shaped our destiny. I am sure there will be a blueprint in time to come, how best to take this place to the next level, for a higher level, so that Gandhian thought becomes all-pervasive, all around. I am grateful to the organizers for making available this opportunity to me, and I go from this place fully energized, motivated, inspired, and I am sure all that I have said, the organizers will bear in mind. I am assuring to this audience, I will act as a foot soldier of this establishment, whatever it seeks to attain. Thank you so much. Namaskar. तो इसके लिए मैं अंत में निवेदन करूंगा, आध्यात्मिक हमारे बीच में जो हमारे गुरु हैं, मार्गदर्शक हैं, स्वामी चिदानंद महाराज जी से, स्वामी जी से निवेदन है कि आशीर्वचन और आभार व्यक्त करें और सबके प्रति कृतज्ञता और इस आध्यात्मिक जगत को, आध्यात्मिक पूंजी को। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम् गमय ओ मंच पर विराजमान इस भारत धरती के एक महान लाल परम आदरणीय माननीय उपराष्ट्रपति महोदय, हरिजन सेवक संघ को जिन्होंने बचपन से लेकर, जिससे बुढ़ापे की बात आती है कि वो इस आयु में भी 80-85 साल में खुद को बूढ़ा नहीं मानते, ऐसे हमारे दादा प्रोफेसर शंकर सान्याल जी, उन्हीं के दाईं ओर बैठे एक व्यक्ति जिसने अपने जीवन को उन आदर्शों के लिए समर्पित किया जिसे आदरणीय पूज्य महात्मा गांधी जी ने अपना जीवन बनाया, उस विचार को समर्पित पद्म विभूषण डॉक्टर श्री बिंदेश्वरी पाठक जी, उन्हीं के बगल में बैठे एक और योद्धा जिन्होंने पूरा जीवन गांधी के लिए बिताया, गांधी विचारों के लिए बिताया, ऐसे हमारे आदरणीय श्री लक्ष्मीदास जी, और एक दूसरे महान योद्धा हरिजन सेवक संघ के वाइस प्रेसिडेंट आदरणीय श्री नरेश यादव जी, शोभित यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर श्री कुंवर शेखर विजेंद्र जी, मातृशक्ति आदरणीय
जयेश जी, रमेश जी, ना जाने कितनी बहनें बैठी हैं, उन सबका नाम नहीं लेता हुआ बस उनको प्रणाम करता हूँ। मातृशक्ति मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, मैं तो उस हमेशा इस बात को देखता हूँ कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, लेकिन मैं तो उस प्रदेश से आया हूँ जिस प्रदेश से गंगा बहती है। लेकिन आज ये बात मैंने इसलिए उठाई, आज मैं भारत की इस माटी को प्रणाम करता हूँ, लेकिन आज इस माटी को भी प्रणाम करता हूँ जिस माटी पर 90 वर्ष पूर्व एक ऐसे बीज की स्थापना की उस महापुरुष ने, और जिसका आज हम संस्मरण नहीं बल्कि स्मरण कर रहे हैं, जो पूरे विश्व में, मैंने तो पूरे विश्व में देखा है। 42 साल पहले जब मैं अमेरिका गया, सबसे पहले मैंने मार्टिन लूथर किंग के उस स्थान को जाकर देखा जिसने अपने जीवन में महात्मा गांधी जी के विचारों को जिया और प्रभावित किया उस राष्ट्र को, जो राष्ट्र शक्ति का प्रतीक माना जाता है, उसे कैसे शांति के रास्ते पर लाया जाए। मैं उस अफ्रीका में गया जिस अफ्रीका की धरती पर, उस स्टेशन पर जिन्हें उस प्लेटफॉर्म पर उस गाड़ी से उतार दिया गया था। इतने सारे संस्मरण है, लेकिन मैं आज उन सारे संस्मरणों को संक्षेप में प्रणाम करते हुए एक बात कहना चाहता हूं। वो बात यह है कि आज जो आदरणीय उपराष्ट्रपति जी को यहां पर हम लोगों ने आमंत्रित कर एक बहुत बड़ी सेवा की है। क्यों? एक ऐसा व्यक्तित्व जिसका जीवन जमीनी स्तर पर जुड़ा रहा, जो जमीन पे रहा, जम के रहा, जमा रहा, जुटा रहा और जुटाता रहा, उसको हमने देखा। पश्चिम बंगाल की उन घटनाओं को याद करिए तो जिस मानवता के दर्द को उन्होंने और उनकी दृढ़ता का दर्शन हम सब ने किया, आज सबके सामने है। फिर उसके बाद सच मानिए तो विचार, व्यवहार और संस्कार, अभी उन्होंने विचारों की बात की, सोच की बात की, संस्कारों की बात की, विचार, व्यवहार और संस्कार एक किसान परिवार में, एक साधारण परिवार में जन्म लेकर, मुझे बड़ी प्रसन्नता है आपने किसानों की भूमिका को याद किया। एक किसान परिवार में, एक साधारण परिवार में जन्म लेकर एक असाधारण व्यक्तित्व बनकर वे भारत की पृष्ठभूमि पर उभरे, उनकी जो पीड़ाएं थी, उनकी जो सारी पीड़ा उस किसान परिवार की और उन सब परिवारों की, वो पीड़ा कैसे प्रेरणा बने, ये आपका जीवन है, ये आपका जीवन है। इसलिए मैंने देखा है ये कोई मजबूरी में नहीं है, ये मजबूती से डटे रहे हो। जो गांधी के चरित्र था सत्य और अहिंसा, उसका पालन करते हुए डटे रहे हो। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि जिस तरह से आपने आज गांधीयन विचारों को रखा और ये भी संकेत किया, गांधीयन कल्चर इज नॉट टू डोमिनेट एनीवन, इंडिया इज नॉट गोइंग टू बी सुपर पावर बिकॉज वी वांट टू डोमिनेट पीपल। गांधीयन विचार किसी को डोमिनेट करने के लिए नहीं है, बल्कि मोटिवेट करने के लिए है, मोटिवेट करने के लिए है कि सुपर पावर बनने के लिए नहीं, बल्कि जगत गुरु बनने की यात्रा है, जगत गुरु बनने की यात्रा है। सोच की बात आपने की, मुझे तो लगता है हर विश्वविद्यालयों की बात दादा ने कही, मुझे तो लगता है इस सोच को ही कोच बनाकर इसी की कोचिंग हर विश्वविद्यालय से शुरू हो, हर विश्वविद्यालय से शुरू हो। कुछ अंतिम बात, क्योंकि समय की मर्यादा है। देखिए, अभी आपने वैक्सीन की बात की, मुझे बड़ा अच्छा लगा, पूरे विश्व में मुझे भी उस समय यात्रा करने का उस काल में भी अवसर मिला जब वैक्सीन बांटी जा रही थी, कितनी मुश्किलें थी पूरे विश्व में, भारत ने उन देशों को भी वैक्सीन प्रदान की। लेकिन उससे भी ज्यादा वैक्सीन थोड़े पलों के लिए थी और हिंदुस्तान ने उसका भी दर्शन पूरे विश्व को दिखाया, यस इंडिया कैन डू इट।
इंडिया कैन डू इट, लेकिन इसके साथ साथ वैक्सीन का स्काल ओवर हुआ। आज अगर कोई वैक्सीन चलेगी वो ऋषियों की वैक्सीन, ये गांधीयन विचारों की वैक्सीन आज इस विश्व को जिंदा रखेगी, इस विश्व को हर बीमारी से, मानसिक बीमारी से भी दूर करेगी। हमें उस गांधीयन विचारों की वैक्सीन चाहिए, इसकी मजबूती से आप लोगों को इसका काम करना है। एक डिकेड 90 साल हुए, 10 साल बाकी हैं जब हम 100वां वर्ष मनाएंगे। उस 100वें वर्ष में मुझे लगता है कि आज आना चाहिए कि बहिरंग गांधीवाद से हम अंतरंग गांधीवाद की ओर मुड़े, बहिरंग गांधीवाद से अंतरंग गांधीवाद की ओर मुड़े। ये केवल कपड़ों पर नहीं बल्कि कर्मों से होगा, वाणी से नहीं विचारों से होगा, सबको साथ लेकर होगा। क्योंकि गांधी जी ने दिखाया बात साधनों की नहीं है, बात साधना की है, बात भवनों की नहीं है। मैं जब आया था पिछली बार, माननीय राष्ट्रपति जी आए, उस भवन में गया जहां वो रहे, वहां पर वो भवन भी ठीक से नहीं था, याद है आपको। लेकिन बात उन्होंने दिखाया, जीवन भवनों से नहीं भावनाओं से महान बनता है, जीवन साधनों से नहीं साधना से महान बनता है, जीवन उच्चारण से नहीं बल्कि उच्च विचारों से, उच्च कर्मों से महान बनता है। इसलिए आज गांधी इज नेवर गॉन, गांधी इज ऑलवेज ऑन एंड गांधी विल स्टे ऑलवेज ऑन। बिकॉज आपने शक्ति की और शांति की बात की, इंडिया इज नॉट ए पीस ऑफ लैंड, इंडिया इज ए लैंड ऑफ पीस। इसलिए गांधी ने क्रांति से शुरुआत की लेकिन शांति की ओर लेकर गए। क्रांति और शांति का संगम ही उनका जीवन है। सफाई से बात शुरुआत की, सफाई सच्चाई और ऊंचाई की त्रिवेणी है गांधी का जीवन। बहुत सारी बातें मन में है लेकिन समय की मर्यादा को प्रणाम करते हुए आज पुनः एक ऐसे भारत माता के लाल जिन्होंने आज इस पद पर बैठकर जो विचार दिए हैं उसे एक दिन पूरा विश्व सुनेगा। भारत माता की, गंगा मैया की, धन्यवाद। विनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे, गाए तब जय गाथा जन गण मंगल दायक, जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय, भारत माता की जय। महात्मा गांधी अमर रहे हैं, महात्मा गांधी नंदन स्वागत कर रहे हैं महामहिम। बड़े हर्ष की बात है कि हम सबके बीच देश के सारे प्रतिष्ठित गांधी संस्थाओं से, सारे प्रतिष्ठित संस्थाओं से, विनोबा संस्थाओं से आशीर्वाद के लिए सब लोग आए हुए हैं। गांधी स्मारक निधि, राष्ट्रीय गांधी शांति प्रतिष्ठान, पवनार आश्रम। मैं प्रार्थना करूंगा हमारे देश का एक ऐसा संत जो भले श्वेत वस्त्र में है लेकिन जिन्होंने एक क्रांति की है शिवालय से शौचालय की ओर। शौचालय की यात्रा, शिवालय की यात्रा तो लोगों ने की थी लेकिन शौचालय की यात्रा हर दिन प्रतिदिन हर व्यक्ति दिन में 2-3 बार करता है, लेकिन वो यात्रा भी कैसे जन जन की यात्रा बने, किस तरह से वो यात्रा हो, उस मल का भी दर्शन किस तरह से आपके जीवन को एक अद्भुत दर्शन दे सके। चर्चा में ना करते हुए क्योंकि मैं चाहूँगा ज़्यादा समय वे लें, उनके बारे में पूरा देश जानता है। आज ऐसे हमारे पद्म विभूषण डॉक्टर, इतने प्यारे व्यक्ति जो विदेशवी पाठक जी हैं, जिनके बारे में जितना भी कहा जाए कम है, उनका जीवन ही परिचय है, उनसे कहूँगा कि 5 मिनट के लिए अपना उद्बोधन प्रदान करेंगे। स्वामी चिदानंद जी महाराज, अध्यक्ष प्रभात निकेतन, माननीय
कुंवर शेखर विजेंद्र जी, कुलाधिपति शोषित विश्वविद्यालय, और डायस पर बैठे लोकेश मुनि जी, और लोग जो बैठे हैं डायस पर, और जो ऑडियंस में है, सभी को हम प्रणाम करते हैं। और जो स्वामी जी ने कहा वो सही कहा, और मैंने कई एक अवधारणाएं दी है, और उतना समय यहाँ मैं नहीं दूंगा। और जो कहा कि श्वेत वस्त्र में है वो सही है कि हमने ही साबित किया है कि वस्त्र से नहीं, विचार से आदमी संत होता है। और तो महत्वपूर्ण बात ये है कि महात्मा गांधी के समय देश में इतनी गंदगी फैल गई थी कि उन्होंने कहा कि आज़ादी बाद में चाहिए और स्वच्छ भारत पहले। अब सोचिए, जो आदमी शीर्ष पर हो, नेतृत्व कर रहा हो देश को आज़ाद करने के लिए, वह आदमी कह रहा है कि स्वच्छ भारत पहले चाहिए, तो कितना गंदा रहा होगा देश। उसकी कल्पना तो गांधी ने की होगी, उसमें तो हम उठे नहीं। अब इसमें जो गांधी ने कहा है, बहुत से विचार, गांधी तो सागर के समान उनकी गहराई है, उसमें जाना हम नहीं चाहते। तो गांधी ने जो कहा कि जब तक लोग मैला ढोएंगे तब तक उनके साथ खाना कोई नहीं खाए। भुवनेश्वर में 1934 में उन्होंने लोगों को बुलाया खाना खाने के लिए। वो लोग रात में आए, लेकिन जब खाने का समय हुआ तो कहा गांधी इनके साथ हम खाना नहीं खा सकते। तो गांधी ने लिखा है कि इंडियंस आर रेडी, इसको हिंदी में कह देते हैं, भारतीय जो हैं अंग्रेज का गोली खाने के लिए तैयार है, लेकिन ये अछूतों के साथ खाना खाने के लिए तैयार नहीं है। तो कितना कठिन विषय रहा होगा आप सोच सकते हैं। जो सबसे पुण्य का काम कर रहा था उसको लोगों क्या कहा, अछूत है। कुत्ता को आप पालेंगे, पोसेंगे, छुएंगे, आदमी को नहीं छुएंगे। तो हमने क्या किया, शॉर्ट में जो समय नहीं है, स्वामी जी का आदेश है, तो मैंने पहले सुलभ शौचालय का आविष्कार किया। आप प्रदर्शनी लगी हुई है, उसे देखिएगा, तो जानते हुए होंगे आप लोग। तो उससे क्या हुआ, घर में सुलभ शौचालय बनाने से अब महिलाएं बाहर नहीं जाती हैं, पुरुष नहीं जाते हैं, अब लड़कियां स्कूल जाती हैं, डायरिया डिसेंट्री से बच्चे नहीं मरते हैं। तो हाउस होल्ड, घर में शौचालय जो बने, उसका आविष्कार हमने किया 1969 में, जब मैं
बिहार गांधी जन शताब्दी समिति में काम कर रहा हूँ। तो एक तो आपको हो गया घर के लिए, 85% घर में कमाऊ पखाने थे, कितने लोगों ने देखा हो मैं नहीं जानता हूँ, उसको जो साफ करते थे उसको सुलभ शौचालय में बदल दिया गया, तो महिला धोने की पछाड़ से मुक्त हो गए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने गले लगाया इसको और देश को जो है स्वच्छ भारत बना दिया। तो पहला आविष्कार मेरा घर के लिए हुआ, दूसरा हुआ पब्लिक टॉयलेट के लिए। अब जगह जगह जो पब्लिक टॉयलेट देखते हैं, आप एक लेख लिखिए कि घर का सुलभ शौचालय नहीं होता और पब्लिक टॉयलेट नहीं होता तो कितनी गंदगी इस देश में भी होती, इसको आप अंदाज कर सकते हैं। फिर पब्लिक टॉयलेट को 24 घंटे साफ सुथरा रखने की व्यवस्था की हमने। पब्लिक टॉयलेट को आप साफ सुथरा नहीं रखेंगे उसे जाए कौन? अब आप स्टेशन जाइए, बस स्टॉप जाइए, गंगा स्नान जाइए, कुंभ मेला जाइए, पब्लिक प्लेस पर जाइए, सब जगह मिलेगा पब्लिक टॉयलेट। तो ये जो है समय नहीं है, ये देखिए शौचालय है, पंढरपुर में बना है। हाँ अच्छा, बारिश आ रहा है तो भागे जा रहे हैं, ठीक है, हाँ एकदम ठीक है। तो अब इसमें है कि पब्लिक टॉयलेट बना दिया, टॉयलेट से हमने गैस निकाल के ये बना दिया, तो वर्षा फिर शुरू हो गई है। तो मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ कि गांधी के सपनों को मैंने पूरा किया है, देश विदेश में लोगों ने स्वीकार किया है। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को हम धन्यवाद देते हैं और प्रणाम करते हैं।